अच्छा, आपको तो इसमें आपका चीज मालूम, जब आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो उसकी इंटीग्रेशन है। अब वो किस टाइप की इंटीग्रेशन है वो आपने समझ ली। पहले जरा आप सब मुझे एक बात बताना, अगर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं 2x+1, अगर मैं आपसे बोलूं जी इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, तो बताइए क्या आंसर आएगा। आएगा मुस्तफा में आंसर पाएगा आपने, बेटा ठीक है। आप किसी फंक्शन को, अगर फंक्शन आपके लिनियर है, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो उसका आंसर होता है, राइट? आवाज किस कर रही है, फिर आवाज रिपीट कर दो फिर से। रिपीट कर दो, आवाज कट रही है। अच्छा एक मिनट, शाफे आवाज तो आनी चाहिए। अच्छा अब आ रही है सर। बेटा देखो, फिर तेरा बात समझना। देखो आप असल में आज पूरी रात बारिश होती रहेगी, तो डिस्ट्रैक्शन रहेगी जरा सी। अब देखो सही है, सही है वो हाथ से नेट के इश्यूज हैं। हल्की सी आवाज है लेकिन आपकी आवाज तो क्लियर ही आ रही है। अच्छा बेटा देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ डी ओवर डी एक्स इंटू वन माइनस पी एक्स, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो बताओ क्या आंसर आएगा। -3 -3 वेरी नाइस, -3। बस एक बात याद रखो कि जब भी फंक्शन आपके लीनियर हो उसको आप जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी एक्स कोफिशिएंट है वही उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जी बेटा एक बात समझ रही। अब जो मैं टाइप इसमें करवा रहा हूं, जो आपकी इस रैशनल फंक्शंस की इंटीग्रेशन है, मतलब आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, उसका पैटर्न क्या है वो समझना। ताकि हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगर मेरे पास कोई इस टाइप की फ्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल कि नीचे एक फंक्शन लिखा हो और ऊपर, नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, प्राइम मींस क्या होता है, डेरिवेटिव, राइट? नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, अगर आप इस टाइप की फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल पैटर्न क्या होगा कि नीचे जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप ln के साथ कॉपी कर दो, ln मींस लॉ फंक्शन, और उसमें एक सी ऐड कर लो अगर आपको लिमिट्स गिवन नहीं। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है, तो हमने इस पैटर्न पे फोकस करना है। नोट करो सर, आप सर हमारे पास पिछले फंक्शन में लिमिट्स नहीं गिवन सर, रिपीट कर रहा, रिपीट कर देता हूं। अच्छा पहले तो एक काम बेटा सब करोगे, सब अपने माइक ऑफ कर दो, मैं म्यूट करने जाता, बस जब जरूरत हो उसका खोलना, कहीं से किसी की डिस्ट्रैक्शन है जो परेशान हो रहा कोई। तो भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले सब अपने माइक जो आप लोग जो है म्यूट कर लो, और फिर जब आपको रिक्वायर्ड जब अनम्यूट करना बस। अच्छा अब देखो बोर्ड स्क्रीन, देखो सॉरी बोर्ड बोल रहा हूँ। वैसे एक गुड न्यूज़ है कि 15 अगस्त से स्कूल खोलने का हो गया है मामला, कल डन हो गया मामला। तो नेक्स्ट अगस्त से इंशाल्लाह आप लोग अगस्त में आप लोग कॉलेज आ जाएंगे इंशाल्लाह।
they would have log function और एन, ये दोनों लॉग दो डिफरेंट, मतलब ये इसकी बेस 10 होती है लॉग की, इसकी बेस एक्सपोनेंशियल ई होती है, राइट? जी दीदी, ये गुड न्यूज है, तो कॉल जाना पड़ेगा। तो ये अब इस टाइप की हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसको हमें लॉग की फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है? अब जरा एक एग्जाम्पल समझना, ठीक है? और मुझे आप लोगों का रिप्लाई चाहिए होगा इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रैक्शन लिखी है 2x+1। अब बताएं इस फ्रैक्शन में नीचे फंक्शन कौन सा है? नीचे फंक्शन कौन सा है? लीनियर फंक्शन है क्या 2x+1, राइट? अगर मैं इस 2x+1 को डिफरेंशिएट करूं क्या आंसर आएगा? 2। ये मैंने ऊपर लिख दिया 2। अब जरा मैच करो, ये जो आपकी फ्रैक्शन है वो इस पैटर्न पे आ गई, बताओ इस पैटर्न पे आ गई फ्रैक्शन आपकी? यस सर। गुड। अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? आपने सिंपल फंक्शन को ln के साथ कॉपी कर देना है, तो ln 2x+1 और इसमें एक c ऐड कर लो, आपको लिमिट्स गिवन नहीं है कि आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। जी बेटा वेरी नाइस। तो ये इस टाइप से इसकी इंटीग्रेशन होगी। अरे बताओ ये बात मेरा सब क्लियर हुई? यस सर। वेरी नाइस। एक और देखो, अरे ये बाकी 2 कहाँ चले गया फिर? बाकी 2 नहीं जा रहा, कल बंद पैटर्न देखो, जब आप इस टाइप की फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो सिंपल फंक्शन एलन साथ आता है, वो उसका इंटीग्रल कहलाता है। तुमने अगर एडवांस पढ़ी है पहले बताओ दीदी। टाइम से क्लास नहीं लेना था, ऐसा दिमाग हो गया। अच्छा बात सुन दो, अगर एक फंक्शन लिखा हो 1/x, राइट? अगर मैं 1/x को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो नीचे फंक्शन क्या है? एक्स है। अगर आप एक्स को डिफरेंशिएट करो क्या आंसर आएगा? एक्स को डिफरेंशिएट करो क्या आंसर आएगा? तो ऊपर 1 लिखा हुआ है, मींस नीचे फंक्शन है ऊपर क्या है? डेरिवेटिव है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपकी इसी टाइप में आ गई। जब आप इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो नीचे जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने सिंपल ln के साथ कॉपी करना है और फिर उसमें एक c ऐड कर दो, तो ये आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया। इसकी डिटेल में जाएंगे जब हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का, तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ये ln के साथ क्यों आ रहे हैं बात आप सबको क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। सर बस ये आंसर है अभी, ये इसका आंसर है, ये सर इस फॉर्मूले की जो हम लोगों को जो डिटेल्स मिलेंगी वो इंटीग्रेशन चैप्टर में मिलेंगी, जो अपना जनरल फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल उसमें मिलेंगी आपको। देखो बेसिकली मैं हल्की सी बात करता हूँ, हमने एएस में एक टाइप की पढ़ी इंटीग्रेशन के, अगर मेरे पास लिखा हो एक्स टू द पावर एन, हमने इसको इंटीग्रेट किया था एएस के अंदर कि हम सिंबल्स की पावर में 1 ऐड करते हैं और फिर जो भी पावर का सम आता है उसे डिवाइड करते हैं, अगर लिमिट्स गिवन है उसे ऐड करते हैं। ये पैटर्न सबको याद है ना, ये पैटर्न हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर yes. मैं इस पैटर्न से 1/x को इंटीग्रेट करूं तो आप बेसिकली करोगे कि आप x को ऊपर शिफ्ट कर लोगे, जब आप x को ऊपर शिफ्ट करोगे इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, राइट? अगर मैं इस पैटर्न से इसको इंटीग्रेट करूं तो देखो आप पैटर्न क्या होगा, क्या करें इसकी पावर में 1 ऐड करोगे, राइट? फिर पावर का सम कितना हो गया? -1+1 कितना होगा? 0। तो पावर के सम से डिवाइड करोगे तो x की पावर पर 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, x की पावर 0 कितना होगा? 1। फिर 1/0 आ गया। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू क्या होता है? इनफिनिटी। इनफिनिटी आंसर अनडिफाइंड हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो आप एरिया फाइंड करो ना, इंटीग्रेट मीन्स
तो इसलिए हम इस टाइप के फंक्शंस को इस पैटर्न से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस पैटर्न से नहीं कर सकते जब भी इसको ब्लॉक के साथ कॉपी किया जा रहा है। तो सर बेटा आप लोग बात में नहीं बोलिए, तो जब भी इस पर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जी, इस टाइप के फंक्शन पे इस पैटर्न से इंटीग्रेट होते हैं। थोड़ी बात सब होते हुए एक और एग्जाम्पल देखो, फिर इसको क्वेश्चन मर्ज करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर फोर, अगर एक फंक्शन लिखा हुआ वन ओवर फोर एक्स माइनस वन, बल्कि सॉरी एक मिनट रुकिए, वन ओवर वन माइनस फोर एक्स और डी एक्स। अब मैंने इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना है तो बताएं पैटर्न क्या होगा, नीचे फंक्शन क्या है सर? लेकिन ln 4 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 4 x होगा ना सर। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करो क्या आंसर आएगा? 4 माइनस 4 इसको डिफरेंशिएट करो क्या आंसर आएगा? माइनस 4। बेटा जरा म्यूट करो सर। अब जो माइनस 4 होगा, मेरे पास माइनस 4 तो नहीं है, मेरे पास उस पर 1 आ रहा है। अगर मैं इस 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और इसको माइनस 4 से डिवाइड भी कर दूं, तो पहले बताओ कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये क्यों करेंगे ऐसे? डेरिवेटिव फॉर्म करने के लिए। तो जब तक इसका डेरिवेटिव फॉर्म नहीं करोगे ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इस तरह हम किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो बेसिकली है क्या, बात अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस वन अपॉन फोर इंटीग्रल, अब ये माइनस फोर हो गया ओवर वन माइनस फोर एक्स और डी एक्स। अब आप देखो बेसिकली इससे ये कैंसिल हो रहा है, बात नहीं हो जाएगी, सिर्फ आपने इसकी अरेंजमेंट फॉर्म की है, राइट? अब जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, देखो माइनस वन ओवर फोर सेम रहेगा, जब आप इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे, अब नीचे क्या है फंक्शन, ऊपर क्या है उसका डेरिवेटिव, तो बाय पैटर्न ये क्या हो जाएगा? ln 1 माइनस 4 एक्स। ये दोबारा समझा देगा और प्लस सी, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसको जरा कॉपी करो आप लोग, फिर रिपीट करता हूँ। जी दानियाल कॉपी करो, कॉपी करो, बल्कि मैं शुरू से दिखा देता हूँ इन सबको, पहले थोड़ा कॉपी करो। जल्दी इन सबको कॉपी करो। इंटीग्रेशन भाई असर तुम भी बच्चे रहना। एग्जाम्पल थ्री, एक मिनट मलिक ने बाद में भी दोबारा रिपीट करूंगा, अब एग्जाम्पल पढ़ दूंगा। अगर बारशद अली हम क्लास के एंड में उसको बात कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन फोकस करो, कल के मीटिंग में 15 अगस्त का है उन्होंने, पहले 15 सितंबर का था, कल की मीटिंग जो है इस्लामाबाद में 15 अगस्त कह दिया। मैं अपने स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा देख लेना। सर नीचे लीनियर फंक्शन होना जरूरी है डिनोमिनेटर में?
नहीं जरूरी नहीं बस एग्जाम्पल पे आ रहा हूं जी बेटा सबने कॉपी किया इसको देखो एक और एग्जाम्पल देखो और ऐसा याद रखना ये एग्जाम्पल नंबर 4 है पहले ये वाली रिपीट कर दे दोबारा बेटा वही चीज़ वही तो रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल 4 भी इसी टाइप की दूंगा ना अलग टाइप की नहीं आएगी सर लैंडस्केप में कर दे अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन गिवन आपको 2/(1 − 2x) और dx अब आपने एक फ्रैक्शन दी है अब आपने इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना है अब आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि नीचे फंक्शन क्या है लीनियर 1 − 2x है जब आप 1 − 2x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आंसर आएगा -2 अब क्या मेरे पास ऊपर -2 है नहीं मेरे पास सिर्फ 2 है तो इसको -2 फॉर्म करने के लिए मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और माइनस से डिवाइड भी कर रहा हूँ देखो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस से क्वेश्चन आपका सेम रहेगा राइट तो अब ये -1 सेम कॉपी कर रहा हूँ अब ये जो फ्रैक्शन बन गई आपकी ये जो फ्रैक्शन है अब नीचे क्या है फंक्शन ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव जब आप इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर क्या होगा -1 आपने सिंपल इस फंक्शन को विद ln कॉपी करना है उसमें एक प्लस c ऐड कर देना सर -1/2 क्यों नहीं जैसे ऊपर हमने -1/4 लिखा था बेटा 2 में बस ऑलरेडी ना सिर्फ माइनस नहीं था ऊपर तो 4 ही नहीं था ना तो हमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहां से मुझे माइनस चाहिए था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ये -1 कहां से आ गया ओके तो हमें माइनस की साइन हटानी है ऊपर जी जी बेटा अभी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा ना मैं दो जगह बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब वहां ऑलरेडी 2 लिखा था तो यूं अगर बात बन जाएगी कैसी ठीक है सर थैंक यू ठीक है एक और एग्जांपल समझो तो जब तक एग्जांपल क्लियर नहीं होगी मैं उसकी जो इंटीग्रेशन करने फायदा नहीं होगा देखो इंटीग्रल x/(1 + x²) और dx अब मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया है अब सिर्फ मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1 + x² को डिफरेंशिएट करूं क्या आंसर होगा 2x इसको आप डिफरेंशिएट करोगे आंसर मिलेगा आपको 2x अब पता है मेरे पास x तो है मेरे पास क्या नहीं है 2 नहीं है तो मैं इसका डेरिवेटिव फॉर्म करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं हमेशा आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अब देखो ये 1/2 सेम कॉपी कर रहा हूं अब अगर आप इस फ्रैक्शन पे गौर करो नीचे क्या है फंक्शन और ऊपर क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है जब आप इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपने सिंपल फंक्शन को विद ln कॉपी करना है और उसमें एक प्लस c ऐड कर देना ये इस फंक्शन का इंटीग्रल अब बेटा ये बताओ कि आप सबको ये टाइप समझ में आई यस सर यस सर यस सर
गुड यस सर एक एग्जांपल और देख लो फिर क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रल x square over 2 plus x cube और into dx अब मैंने इस fraction को integrate करना है अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 plus x cube अगर मैं इसको differentiate करूं 3x तो 2 the constant 0 जाएगा x square x square जाएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर ड्रॉप करोगे देन पावर में 7 माइनस करोगे ये 3x स्क्वायर होगा अब मेरे पास x स्क्वायर तो है मेरे पास 3 मिसिंग है तो 3 को क्या करूंगा मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और 3 से इसको मैं डिवाइड भी कर रहा हूं मींस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं राइट right? तो अब मेरा देखो डेरिवेटिव्स का फॉर्म हो गया 1 upon 3 सेम कॉपी कर रहा हूं अगर आप इस फ्रैक्शन पे गौर करो नीचे क्या है फंक्शन ऊपर क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव है तो जब आप इस टाइप की फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो मींस क्या होगा ln 2 plus x cube और plus c ये इसका आंसर ये बात परफेक्ट लिख रहे हो 9 ज्यादा लिख दिया 9 नहीं आएगा उसमें ठीक है थोड़ी 9 और लिख दिया बस परफेक्ट तो बेटे बताओ ये बात सब क्लियर है अगर ये एग्जांपल क्लियर है तो मैं क्वेश्चन में शिफ्ट करता हूं सर जो ऊपर का डेरिवेटिव है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता नेगेटिव अगर फंक्शन हो सकता है बिल्कुल ये डिपेंड करता है ना आपके क्वेश्चन के ऊपर कि फंक्शन किस टाइप का दिया हुआ है मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना जिसमें ने a से मल्टीप्लाई किया था समझे बात Yes. अच्छा अब अगर सब पे बात क्लियर है तो मैं क्वेश्चन में शिफ्ट करूं सर सर एग्जांपल कॉपी है करो कॉपी करो डन चलो वेरी नाइस अब एक मिनट थोड़ा काम स्पीड आपने काम करना है फिर मैं सारी कंटिन्यू करूंगा एक क्वेश्चन दे रहा हूं एक फंक्शन गिवन आपको 1 ओवर x plus 1 into x minus 2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट पार्ट में इसको आपने रिजॉल्व करने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सेकंड पार्ट में हेंस इवैल्यूएट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स तो मुझे खाली फर्स्ट पार्ट में इस प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग रिजॉल्व कर दो पार्शियल में सेकंड पार्ट में बहुत काम जल्दी शाबाश मुझे सिर्फ ए भी फाइंड कर लो कि 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 असद ये बताओ केस 1 है 2 है 3 है 1 1 सर असद से पूछ रहा हूं असद इमाम 1 अब बताओ इसमें क्योंकि आपके दोनों फैक्टर क्या है लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं अब क्योंकि दो फैक्टर्स हैं तो कांस्टेंट भी कितना आएंगे 2 दैट मींस a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 अब जल्दी से एलसीएम लेके मुझे ए भी फाइंड कर दो बस सर ए की वैल्यू -1/3 बी की वैल्यू 1/3
माइनस वन अपॉन थ्री और वन अपॉन थ्री ए माइनस वन अपॉन थ्री और बी वन ओवर थ्री यहाँ पे आप यूज करेंगे कवर मेथड यहाँ से ए डिफाइन करोगे वेरी नाइस मैं फिर वेट कर रहा हूँ पांच मिनट बाकी लोग ये कंप्लीट करो फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं यस सर सही आंसर यही है गुड चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करो बेटा फिर सेकंड पार्ट पे पहले सब ने आप सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है लिखेंगे नहीं मैं आप लोग पहले आपने समझना है ठीक है अब एक मिनट सब देखो पहले अपने फर्स्ट पार्ट के आंसर्स आप लोग ए बी में पुट कर दो कि माइनस वन ओवर थ्री ओवर एक्स प्लस वन फिर प्लस वन ओवर थ्री ओवर एक्स माइनस टू ये आपके फर्स्ट पार्ट के आंसर है सही आंसर है राइट अब मैं सेकंड पार्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ अब बेटा आप सब ने सिर्फ स्क्रीन पे देखना है अभी लिखना मत बेटा राइट लिखा हुआ है इंटीग्रल वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू और मल्टीप्लाई भी किससे हो रहे हैं डी एक्स अब इस फ्रैक्शन को मैंने फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेट किया था सॉरी पार्ट में रिजोल्व किया था तो उसका आंसर मेरे पास ये था तो उसको रिप्लेस करना पहले आप सभी बताओगे इतना स्टेप सब क्लियर है मैंने हर एक गिवन फ्रैक्शन को उसको रिप्लेस किया उसके पार्शियल के आंसर्स ठीक है अच्छा अब जरा ये स्टेप देखना आप लोग मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इंटीग्रल माइनस वन ओवर थ्री ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल वन ओवर थ्री ओवर एक्स माइनस टू और इंटू डी एक्स ये जो मैंने इसको ब्रेक किया है पहले बताओ ये बात सब क्लियर Yes, sir. बेटा अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताएं फिर उन आगे नहीं है सर दोबारा बता दें गुड मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किए ये साइन इसके साथ भी है इसके साथ भी है ये साइन इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो मैंने ब्रैकेट ओपन किए राइट यस सर यस सर अच्छा अब एक नेक्स्ट स्टेप देखो अब ये वन अपॉन थ्री क्या है एक कॉन्स्टेंट टर्म मैं इस माइनस वन ओवर थ्री को बात कर रहा हूं इंटीग्रल वन ओवर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस यहां भी ये वन अपॉन थ्री क्या है कॉन्स्टेंट है उसको बात कर रहा हूं तो वन ओवर थ्री इंटीग्रल वन ओवर एक्स माइनस टू और डी एक्स सिर्फ कॉन्स्टेंट मैंने भाग किए हैं अब ये बताओ कि ये बात सब कह रहे अगर एक लिखा है जी माय वन ओवर टू और लिखा है वन ओवर एक्स प्लस वन तो इसको मैं तीन तरीके लिख सकता हूँ कि वन ओवर टू ओवर एक्स प्लस वन लिख लूँ या वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन लिख लूँ ये एक ही बात करा रहे ठीक है सिर्फ अरेंजमेंट की है मैं अब तक सिर्फ अरेंजमेंट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा अभी क्लियर बात चल अब मैं इस माइनस वन ओवर थ्री को सेम कॉपी कर रहा हूं अब आप चेक करो इस फ्रैक्शन को नीचे क्या है फंक्शन अगर आप एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करो क्या आंसर आएगा वन और ये क्या है उसका डेरिवेटिव तो अब जब मैं इस फ्रैक्शन को इस टाइप की फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या होगा एल एन एक्स प्लस वन ऐसी था जी बेटा ये बताइए बात सब क्लियर
यस सर प्लस अब इस 1 अपॉन 3 को सेम कॉपी कर लो अब आप यहां फ्रैक्शन चेक करो नीचे फंक्शन क्या है x माइनस 2 जब आप x माइनस 2 पर डिफरेंशिएट करोगे क्या आंसर आएगा 1 ऊपर क्या है उसका डेरिवेटिव है सर प्लस c c एंड में दफा लगेगा तो नीचे फंक्शन ऊपर क्या है उसका डेरिवेटिव जब आप सर प्लस b अच्छा प्लस c भी तो लगेगा बेटा सब्र करो लगाऊंगा ना कि जब आप इस पूरी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपने इसके फंक्शन को भी ln के साथ कॉपी करना है अब क्योंकि आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो c सिर्फ एंड में एक दफा अप्लाई किया जाता है सर 2 c क्यों नहीं आएंगे सर क्यों एक ही दफा क्यों अप्लाई होगा सर 2 इंटीग्रल है तो सर 2 c मेरे बच्चा इंटीग्रल 1 था हमने खाली उसको ब्रेक करके इंटीग्रेट किया है जब एक इंटीग्रल है तो c भी एक ही आ रहा है अगर शुरू क्वेश्चन में 2 लगे होते ना इंटीग्रल सीरीज जब 2 c आते इंटीग्रल 1 है हमने खाली उसको ब्रेक किया है ये बात समझ रहे अभी यस सर सारे स्टेप जरूरी है क्या जी बेटा इसमें कोई भी स्टेप जो है ना एक्स्ट्रा नहीं ये मैं बता दूं कि सेकंड पार्ट 10 5 मार्क्स का है 5 मार्क्स वो है आपके उसके पार्शियल के 5 मार्क्स आपके इंटीग्रेशन के इसका पार्ट 1 दोबारा दिखा देंगे सर पार्ट 1 मैंने किया कब था वो तो आपने खुद किया था ये एबी की वैल्यूज फाइंड आउट करना सर पार्ट 2 दिखाते हैं बस थोड़ा सा नीचे हो सर जी सर पार्ट 2 में जो आपने आंसर लिखा है क्या उसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना नहीं बिल्कुल कर सकते हैं कोई नहीं पड़ेगा बल्कि मैं इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अभी मैं ज्यादा चीजें मर्ज करने नहीं चाह रहा आगे प्रॉपर्टीज बताई होंगी इसके रेंज के लिए मैं आंसर जब लिमिट्स आएंगी तो मैं सिर्फ ये फंक्शन चाह रहा हूँ बच्चे पहले ये फंक्शन इंटीग्रेट करना सीख लें फिर से प्रॉपर्टीज अप्लाई कराऊंगा ठीक है बेटा क्या बोला अब ये बताओ कि सबने कॉपी कर लिया यस सर नो सर फिर करो जब जो कट चुके हो तरह ये क्वेश्चन स्टार्ट करो जब आप मुझे कॉपी कर दो तो मुझे फर्स्ट पार्ट करके बताओ मेरे साथ शायद मेरे एंड से नहीं है डिस्ट्रक्शन आप तो चेक करो नेट का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा स-
सर ए माइनस वन अपॉन सिक्स मुझे चैट में बताइएगा सर सर ए माइनस वन अपॉन सिक्स आ रहा है बी क्या कहते हैं टू ओवर फिफ्टीन और माइनस थ्री ओवर टेन एक मिनट ये चैट लिख के दे देना आप बताएं कि आपको आवाज आ रही है आप वैक्यूम वगैरह किस चीज की अभी भी आ रही है म्यूट करने के बावजूद अच्छा अच्छा मुझे अब जरा बताइएगा आप लोग आप बताएं अनम्यूट करके आप लोग के एक आंसर क्या रहा था मतलब इस बात में सब एग्री के तीनों आंसर आ रहे हैं A, B, C. Yes. Yes, sir. Good. चलें, अब जरा देखें मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट कर रहा हूं तो आपने इसको ब्रेक किया होगा A अपॉन X माइनस वन B अपॉन X प्लस टू केस वन था और प्लस C ओवर X माइनस थ्री में ब्रेक किया था अब यहाँ पे अगर A, B, C पार्ट कर दूं तो माइनस वन ओवर सिक्स ओवर X माइनस वन माइनस टू ओवर फिफ्टीन ओवर एक्स प्लस टू और सी क्या आपका थ्री ओवर टेन ओवर एक्स माइनस थ्री मतलब ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है तो बेटा देखो सबसे आप आंसर ही कैलकुलेट किया आप लोगों ने अच्छा अब देखो सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में आपने इस पूरे आंसर यूज करना है माइनस टू ओवर फिफ्टीन ओवर एक्स प्लस टू प्लस थ्री ओवर टेन ओवर एक्स माइनस थ्री और इनटू क्या आपका डीएक्स अब देखो वही स्टेप मैं जी बेटा जी वेरी नाइस मैं इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं अब देखो ये इंटीग्रल ये भी कंटेन कर रहा है ये इंटीग्रल इस फ्रैक्शन में भी आ रही है और ये इंटीग्रल ये भी कंटेन कर रहा है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इन सबको बाहर कर रहा हूं अरेंजमेंट माइनस वन ओवर सिक्स इंटीग्रल वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स देखो सारे स्टेप वही सेम आ रहे हैं जिसम करते हैं फिर इसको बाहर कर रहा हूं ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस टू ओवर फिफ्टीन इंटीग्रल वन ओवर एक्स प्लस टू
और dx हो जाएगा प्लस 3 ओवर 10 बाहर कर रहा हूं इंटीग्रल 1 ओवर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा dx अब मैं बताऊं इतनी बात सब क्लियर है यस सर अरेंजमेंट किए अब इस माइनस 1 ओवर 6 को सेम कॉपी कर रहा हूं अब आप चेक करो ये फ्रैक्शन नीचे क्या है फंक्शन ऊपर क्या है डेरिवेटिव इंटीग्रेट करोगे ये क्या होगा आपका ln x माइनस 1 फिर माइनस 2 ओवर 15 कांस्टेंट सेम कॉपी कर रहा हूं जब आप इस फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो आंसर क्या होगा ln x प्लस 2 प्लस बेटा किसने अपना माइक अनम्यूट किया इसमें ये 3 ओवर 10 सेम कॉपी कर रहा हूं अगर आप इस फ्रैक्शन को चेक करोगे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव ऐसे ही जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये क्या आएगा ln x माइनस 3 तीनों फंक्शन आपके इंटीग्रेट हो गए अब आपने सिंपल करना क्या है कि आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो आप एंड में एक सी ऐड कर दो ये आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया अभी बताओ बेटा ये बात समझ क्लियर हुई यस सर द प्रॉब्लम नो गुड तो मतलब ये हमने केस 1 को इंटीग्रेट किया है विदाउट लिमिट्स मैं ज्यादा स्पीड में भागने नहीं चाह रहा पहले इसकी आज प्रैक्टिस और अगर से क्वेश्चन भेजता हूँ और पहले इसकी जो खाली इस टाइप के क्वेश्चन है जो खाली ये टाइप है इससे क्वेश्चन पहले सेंड करूंगा इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो पहले ठीक है उसके बाद फिर इसकी पार्शल के फिर लिमिट्स भी करेंगे ठीक है तो इसे कॉपी कर लो आप लोग और फिर कह रहा हूँ कि एक अच्छी न्यूज है मैंने आप लोगों को न्यूज कैसी लगी कि 15 अगस्त से इंशाल्लाह खुल जाएंगे स्कूल आपके कॉलेज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चिन्ह दिए गवर्नमेंट ने थोड़ी दी दिया मेरे बच्चे इनकी गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ आज मीटिंग हुई ना उसके साथ जी नाम सुनी था सर कंफर्म रिपोर्ट है अबे असद इमाम तुम तो बहुत ही बेवकूफ बोले सिर्फ कॉलेज नॉट सिर्फ स्कूल नॉट कॉलेज अबे भाई कॉलेज पहले खुलेगा कॉलेज और यूनि पहले खुल रहे हैं हां सारी उल्टी बातें करना तुम्हारे साथ लड़ाई है ठीक है सर सेकंड डिग्री इंशाल्लाह अगर से क्लास फिजिकल भी हो जाएगी इंशाल्लाह ठीक है सर ने कॉपी कर लिया इसको यस सर चलो ओके बेटा थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़